तो देखिए ये हमारा चॉकलेटी फ्लेवर का ओरियो से बना हुआ मोदक तैयार है। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं। जो हमने इसमें स्टफिंग डाली है ये देखिए कितना टेस्टी और कितना सुंदर मोदक बना है कि जो भी खाएगा वो वाह वाह करता रह जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम चीज़ों से बग़ैर गैस जलाए बग़ैर घी बग़ैर तेल बग़ैर चीनी के आप ये बहुत ही आसान रेसिपी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने गणपति को खुश कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ओरियो का मोदक। देखिए हमने 10 रुपए वाला 4 पैकेट बिस्किट लिया है और इसमें एक पैकेट में 5 बिस्किट होते हैं तो पूरे हमारे 20 बिस्किट हैं। और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसा आपको बनाना हो और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सारे बिस्किट्स अलग कर लेंगे और इसके अंदर जो क्रीम है वो हम ओपन करके क्रीम अलग रख लेंगे और बिस्किट्स अलग रख लेंगे। तो ये हमारे सारे बिस्किट हो गए हैं, 20 बिस्किट हैं। अब इससे हम ये ओपन करके इसका क्रीम अलग कर लेते हैं। ये क्रीम दो तरह का आता है, एक वनीला फ्लेवर आता है और एक चॉकलेटी फ्लेवर आता है। मेरे बच्चों को वनीला फ्लेवर पसंद नहीं है तो मैंने चॉकलेट फ्लेवर का ही क्रीम भी लिया है। आप चाहे तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए हमने सारे बिस्किट से क्रीम अलग कर लिए हैं। अब इसको हम हाथ से क्रश करके सारे बिस्किट्स को तोड़ लेंगे और इसको किसी चीज़ में डाल के तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप हाथ से ही इसको अच्छे से क्रश करेंगे तो अच्छे से टूट के बारीक हो जाता है। इसके बाद हम इसको मिक्सी में एकदम बारीक पीस लेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में डाल के एक बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। अब देखिए बिस्किट बिल्कुल महीन हो चुके हैं, एकदम पाउडर बन गया है। हमें इसको बिल्कुल दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, नहीं तो वो अच्छे से मोदक आपस में उसकी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 कप मलाई ले ली है। अगर आप इसकी जगह चाहें तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम ये मलाई डालेंगे और चम्मच से थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे, एकदम से पूरी मलाई नहीं डालेंगे। क्या पता कितना कम लगता हो और 4-5 चम्मच इकट्ठे डालने से हमारा जो बैटर है वो पूरी तरह से गीला हो सकता है। तो अब हम चम्मच हटा के चम्मच से अच्छे से मिलाने के बाद इसको हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसको हम हाथ से अच्छे से ऐसे मैश करते हुए प्रेस करते हुए हाथों से इसको अच्छे से एक डो बना लेंगे और जितना इसको मसल के इसको हम प्रेस करके मिलाएंगे तो इसमें एक शाइनिंग सी आएगी और अच्छे से हमारा आटा जो बन के तैयार होगा वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा और मसल लेंगे हम इसको, बस ये देखिए बिल्कुल एक सार हो गया है। और अब हम इसको बनाने के लिए मोदक रख देते हैं। तो अब जो बिस्किट से मैंने ये क्रीम निकाला था तो इस क्रीम में हम थोड़ा सा ये पिस्ता कट करके रखा है तो थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़ा बादाम डाल देंगे और थोड़ा सा काजू डाल देंगे, थोड़ा सा गरी का बुरादा ले लेंगे, ये गरी का बुरादा आप आधा चम्मच करीब है, और थोड़ा सा पॉपी सीड्स ले लेंगे। इसको पॉपी सीड्स हमने पहले से रोस्ट करके रखा है। ये सब क्या होता है ना, क्रीम जो ये आपस में सब मिल जाएंगे तो एक क्रंची टेस्ट आता है, जब हम वो मोदक खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके और इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी मोदक में भरने के लिए।
ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के हम रख लेंगे और फिर ये देखिए फिर अब ये हम मोदक बनाने के लिए चलते हैं। आटा बिल्कुल हमारा ना ज़्यादा स्मूथ है ना ज़्यादा टाइट है, ये स्टफिंग तैयार है, अब हम बनाते हैं मोदक। फ्रेंड्स क्या होता है, हम तो बहुत सारे जैसे पहले भी मैंने बताया है एक रोज़ फ्लेवर का बनाया है और उसके पहले एक ड्राई फ्रूट्स का वो उसका बनाया है खजूर का। तो क्या होता है बड़ों को तो अच्छा लगता है पर बच्चे कुछ अपने पसंदीदा चीज़ों से मोदक बना हो तो वो ज़्यादा ही अच्छे से खाते हैं। तो इसलिए ये ओरियो बिस्किट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं और जैसे ही बच्चे ये देखेंगे कि इसका मोदक बना हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे देखते हैं मम्मा आपने ये बनाया तो आप क्या बना हुआ है। तो जब आप बनाएंगे इसको एक तो बहुत ही झटपट तरीके से बन जाता है बहुत ही कम सामान में और बहुत ही आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब आप बनाएंगी बना के इसको देखेंगी तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर ये बनता है। अब देखिए हम इसको ओपन करते हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस आप मलाई जब डालें तो ये ख्याल रखें कि आपका जो डो है ज़्यादा गीला ना हो, नहीं तो फिर वो बनने में दिक्कत देता है, वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता है। अब देखिए मोदक कितना सुंदर लग रहा है और कितना ज़्यादा इसमें शाइन है और बहुत ही आसानी से बन गया। आप देखिए ये मोदक बन के तैयार हो गया है और आप भी यही जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए और घर पर बनाइए। देखिए हमारा मोदक कितना अच्छा कितना सुंदर बहुत ही चॉकलेटी लग रहा है। ये हमारा मोदक बनके तैयार है, हमने कम क्वांटिटी ली थी तो हमारा 4 पैकेट बिस्किट में ये 6 ओरियो बिस्किट से 6 मोदक बने हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है कितना कलरफुल लग रहा है। और अगर आपको कम ज़्यादा क्वांटिटी में करना हो तो आप बढ़ा या घटा सकते हैं। अब ये हमारा मोदक बनके तैयार है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम बनाएंगे पान मोदक। हमारा ये पान मोदक बिल्कुल पान के फ्लेवर का होगा और क्या होता है फ्रेंड्स कि गणपति जी को पान भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ जब गणपति जी आते हैं तो पंडित जी जब कहते हैं भोग लगाने के बाद उनको लास्ट में आप पान में लौंग इलायची डाल के खिलाइए, उनको भोग लगाइए, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पान मोदक बनाया है तो आप भी ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं पान मोदक। ये हमारी 1 कप घिसी हुई गरी है, ये हरी गरी का बुरादा होता है, ये सूखी गरी का नहीं होता है, बिल्कुल बारीक है। और इसको हम 1 कप ले लेंगे, इस कप के साइज़ से पूरा 1 कप ले लेंगे। और इसके बाद इसमें हमने पान के पत्ते को अच्छे से कट करके पीसेज में रख लिया था तो वो हम डाल देंगे जिससे हमारे मोदक में पान का फ्लेवर आए। तो आप किसी भी पान की दुकान से पान ले कर उसको कट करके आप इसमें मिला दीजिए। अब इसमें हमने ले लिया है हरा कलर है, फूड कलर है, इसको हमने ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अच्छे से मिला दिया है तो इसमें बिल्कुल पान का कलर आ जाएगा। तो अब हम इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैंने इतना छोटे कप में कंडेंस्ड मिल्क लिया है, कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद आपको कोई शुगर की ज़रूरत नहीं होगी इसमें मिलाने की क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा शुगर होता है कि वो मीठा कर देगा। तो अगर आपको जानना है आप बाज़ार से नहीं ले सकते कंडेंस्ड मिल्क तो आप घर में भी बना सकते हैं, मैंने ये वीडियो बनाया है तो आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क बनाना। तो हमने जो कंडेंस्ड मिल्क 4-5 चम्मच लिया है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हैं, क्या है कि अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो हमारा ये जो मिक्सचर है वो गीला हो सकता है, तो इसलिए गीला हो जाएगा तो वो बनता नहीं है फिर मोल्ड में। तो हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें सूखा लगेगा तो हम मिलाएंगे कंडेंस्ड मिल्क वरना नहीं मिलाएंगे। तो हम इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए इतना थोड़ा सा 1 कप हमने ये लिया था गरी का बुरादा इस कप के साइज़ से और इसमें लिया था तो बहुत थोड़ा सा 2-3 चम्मच हमारा कंडेंस्ड मिल्क गया है और ये पूरी तरह से बन गया है, अब हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अच्छे से बैटर को दबा दबा के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका हम स्टफिंग बना लेते हैं।
ये गुलकंद लिया है हमने, क्योंकि गुलकंद के बगैर तो पान अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये गुलकंद हमने किसी भी इजीली हमें मिल गया है पान की दुकान से, तो हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। एक्चुअली सारी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स इसलिए डालते हैं कि वो जो क्रंची पन आता है खाने के बाद, वो क्रंचीनेस आता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, ये हमने पॉपी सीड्स रखा है रोस्ट करके, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूँकि ये पान है, पान का फ्लेवर हम बना रहे हैं, तो इसके स्टफिंग में हम थोड़ी सी पिसी हुई इलायची भी डालेंगे, क्योंकि पान के साथ ही इलायची तो जाएगी ही जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा 2 पिसी हुई इलायची और कुटी हुई वो भी हम इसमें मिला देंगे, ये देखिए इतनी सी, और उसको अच्छे से मिला के और फिर हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम तोड़ लेंगे और थोड़ी थोड़ी एक गोली सी बना लेंगे और फिर उसमें स्टफिंग करने के लिए इसको रख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा जो मोदक का बैटर है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से हाथों से प्रेस कर करके और मसल लेते हैं। तो मसलने से और जो गरी अच्छे से फूली होगी, आपस में मिक्स हो जाएगी, तो हमें मोदक बनाने में आसानी होगी। अब इसको हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा घी रहता है कि वो अपने आप ही ग्रीस हो जाता है, चिपकेगा नहीं हमारा ये बैटर जो है। अब हम इसको अच्छे से दबा दबा के प्रेस कर लेंगे और एक छोटा सा होल बना लेंगे, क्योंकि हमें उस होल में अपनी स्टफिंग डालनी है जो कि गुलकंद की है। तो फ्रेंड्स इतना टेस्टी, इतना पान का फ्लेवर इसमें आएगा और इतना टेस्टी ये मोदक बनेगा कि आप खाएंगे तो बस वाह वाह करते रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करें। हम इसलिए इतना सारा मोदक बना के आपको, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे गणपति जी जितने दिन भी रहें तो आप उनको हर रोज़ एक नया मोदक बनाएं और उनको भोग लगाएं। तो गणपति जी जब हमारे घर से जाएं तो बहुत ही खुश होके जाएं। और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत अच्छा हमारा ये गरी का और उसका पान का गुलकंद का फ्लेवर लेके ये मोदक बना है। देखिए फ्रेंड्स वाह। अब देखिए हम अच्छे से इसको प्रेस करके और फिर ये हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बस हमारे गणपति जी तो खुश हो जाएंगे। और आप बनाइए, आप भी तरह तरह के मोदक बनाइए और घर में ट्राई करिए। ये देखिए इतने बैटर में हमारा इतना मोदक बनके तैयार हुआ है, करीब 5 पीस बना हुआ है। आप अगर और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, और कम बनाना चाहते हैं तो फिर कम कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट भी है। तो ये हमारा मोदक बनके तैयार है, पान मोदक। तो आप भी घर में ट्राई करें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप वीडियो को देख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरिया।